बदल्य नाक र मान्यता नाक जौँ जो रे विश्वविद्यालय एवं कॉलेज कलेजको ग्रेडेसन देउला ता कोर्तन हे नगुहे एथर ग्रेडेशन नुह एथर लेबल हिसाबले मर्किङ दिनु विभिन्न विश्वविद्यालय कलेज लागु आम सहित एक्सक्लुसिभली अहिले नाक र चेयरपर्सन आम सहित अहिले प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्ध आम सहित अहिले एक्सक्लुसिभ आमु साकार बर्तमान पहले तो आपको स्वागत है अर्गस न्यूज में उडा में सर अभी नाक में एक चेंजेस आ रहा है आप एक्सक्लूसिवली बात कर रहे थे हमारे साथ कि नाक में अभी ग्रेडेशन नहीं होगा लेबल होगा इस बारे में क्या बताना चाहेंगे अभी यूनिवर्सिटी को सबसे पहले तो अब जो नैक का एक्रेडिटेशन सिस्टम था और जो पैरामीटर्स और जो फॉर्मेट था उसको पूरा रीडिज़ाइन किया है आज की ज़रूरतों के हिसाब से जैसे कि हम बार बार इन्वयरमेंट के बारे में बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं नेट ज़ीरो बात करते हैं ये सब पैरामीटर्स भी इसके अंदर इनोवेशन है इंडियन नॉलेज सिस्टम है इसको भी जोड़कर पहले सबसे पहले बाइनरी एक्रेडिटेशन यानी एक इंस्टीट्यूट में मिनिमम बेंच ऑफ क्वालिटी जो अचीव करेंगे उनको हम एक्रेडिटेड कहेंगे तो इसका मतलब वो उसका नाम बाइनरी एक्रेडिटेशन यानी एक्रेडिटेड या नॉट एक्रेडिटेड का एक संभावना उसमें से शुरुआत होती है सिंप्लीफाई okay, अब अगर कहा जाए तो स्वीकृति और अनस्वीकृति ऐसा कहा जाएगा या फिर क्या ये बाइनरी वही है यानी इसका मिनिमम बेंचमार्क क्वालिटी क्रॉस कर दिया यानी जो हम अपेक्षा करते हैं कि एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी चल रहा है तो उसमें क्या क्या मिनिमम होना चाहिए वो जो जो क्रॉस करते हैं उनको हम एक्रेडिटेड बोलेंगे और जो उससे नीचे है तो उनको नॉट एक्रेडिटेड रहेंगे लेकिन उनको मेंटरशिप देकर कहाँ कहाँ उनमें कमियाँ हैं उसको सुधारने के लिए सपोर्ट करेंगे हेल्प करेंगे ताकि सारे के सारे देश भर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ एक्रेडिटेड हो जाए पहले पहलेबल ग्रेजुएशन के हिसाब से था अगर उत्कल यूनिवर्सिटी रमा देवी यूनिवर्सिटी ओडिशा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ए ए डबल प्लस ऐसा कुछ मान्यता रहा गया है तो लेवल में क्या चेंजेस सर होगा कुछ वन टू फाइव होगा फाइव टू वन होगा क्या लेवल होगा लेवल में लेवल वन टू फाइव होगा लेवल वन यानी सबसे नीचे वाले हाँ। उससे बहुत थोड़ा अच्छा करके दिखाएंगे उनको लेवल टू उससे भी अच्छा है ये मैच्योरिटी लेवल्स है यानी आपका जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी आगे आपका आयु बढ़ता है तो आप अपने पुराने काम से पूरे संतुष्ट रह के काम नहीं होगा हमको कांस्टेंट इंस्पिरेशन लेके कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा तो ऐसा जब सिस्टम कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में है तो वो एक लेवल से ऊपर दूसरे लेवल दूसरे लेवल से तीसरे लेवल जाएंगे और कुछ ऐसे पैरामीटर मिनिमम बेंचमार्क जो रखा गया है वो क्रॉस करेंगे तब उनको अलग अलग हायर लेवल दिया जा सकता है इस पॉलिसी में एक बड़ा कन्फ्यूजन ऐसा भी होगा क्योंकि सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज ग्रेडेशन के हिसाब से लिया गया था तो अभी लेबल होगा तो उसमें कुछ वैसे डिफरेंस तो है नहीं सर नहीं डिफरेंस बहुत है क्योंकि अभी जो ग्रेड दिया जा रहा था वो बेस्ड ऑन वन कॉमन फॉर्मेट था यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेम है वहीं से सबको इवेल्यूट करते थे किसी को ज़्यादा मार्क मिल गया तो उसको हम हायर ग्रेड दे देते थे, थे तो किसी को कम देते थे लेकिन वो ऐसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी जिसको हायर भी मिला है तो सारे बेंचमार्क पैरामीटर्स क्रॉस नहीं किया होगा तो जब लेवल की बात करेंगे तो एक पर्टिकुलर हर पैरामीटर में वो क्रॉस करेंगे तभी उनको उस उस लेवल का पात्रता मिल जाएगी क्या क्या पैरामीटर रहेंगे ये लेवल लाने के लिए अभी जैसे कहा ना यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हो यूनिवर्सिटी के कितने स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट मिलता है कितने स्टूडेंट आंट्रप्रेनर हो जाते हैं कितने स्टूडेंट अपना जो रिसर्च पब्लिकेशन करते हैं टीचर्स भी पब्लिकेशन कर कितने करते हैं कुछ पेटेंट फाइल करते हैं क्या दुनिया भर में आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एक प्रभाव इम्पैक्ट कैसे हो रहा है ऐसे अनेक पैरामीटर्स को इवेल्यूट करेंगे ये दिसंबर एंड तक ये फॉर्मेट रेडी होगा तो जनवरी से लागू हो जाएगा लेवल का भी सर इसमें और भी वर्कशॉप किया जाएगा यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बैठे अभी, अभी, अभी आज जो वर्कशॉप चल रहा है ये यूनिवर्सिटी पांच राज्यों के जो आए हुए हैं बिहार से छत्तीसगढ़ से यहाँ से वेस्ट बंगाल से इन सब से हम बातचीत अब जब कर रहे हैं तो वैसे ही हर जगह में कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे फॉर्मेट को रिवीजन भी कर सकते हैं और बाद में ये लागू हो जाए सर, ये नाक के अंदर में कितने कॉलेज उड़ीसा के स्टेटस अगर देखा जाए तो कितने ऐसे फिगर आ, आ रहा है कि कितने कॉलेजेस अभी नाक के अंदर है। जो कॉलेज नैक एक कर रहे हैं वो ट्वेंटी फोर परसेंट है और जो यूनिवर्सिटीज है उड़ीसा की वो फोर्टी नाइन परसेंट एक आज के तक तो. नेशनल के हिसाब से उड़ीसा में क्या लगभग अच्छा है इसलिए तो बता रहा हूँ नेशनल में फोर्टी परसेंट यूनिवर्सिटीज़ और पंद्रह सोलह परसेंट कॉलेजेस है तो उसके सबसे चौबीस परसेंट कॉलेजेस और फोर्टी नाइन परसेंट यूनिवर्सिटीज़ तो अच्छा है सर यहाँ पे और भी एक कन्फ्यूजन है ये लास्ट क्वेश्चन सर जो जैसे कि और एग्जाम्पल के तरफ से मैं कह सकता हूँ रमा देवी यूनिवर्सिटी हो गया वो तो पहले ही ये अप्लाई कर चुका है तो वो नया फॉर्मेट में जाएगा या फिर नाग का जो अ, अगर इस उनको चॉइस है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेड पाया है वो ग्रेड के साथ उसका पीरियड होने तक कंटिन्यू करेंगे नहीं जिनका जब मिला है तीन साल पे पहले मिला है तो उनका दो ही साल बचा है जो चार साल पहले किया था उसका एक ही साल बचा है जो अभी भी मिला है उसको पाँच साल है जो हमारा ग्रेडेशन जो भी दे रहे थे वो पाँच साल के लिए दिया जा रहा है जिसका कंप्लीट हो जाएगा तब उसको नया तरीके से इसमें आना पड़ेगा तो सर लागू होगा नए तरफ से सभी नया वो तो ग्रेडेड हो गया हाँ। ये तो अगले महीने से लागू हो जाएगा जो हम बाइनरी करेंगे, करेंगे बा, बुल हाँ हाँ बाइनरी से ही होगा अगले महीने से उसके पहले जो अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं उनको दो चॉइस है पुराना सिस्टम या नया सिस्टम होगा सभी अभी यूनिवर्सिटी आगे आएंगे नैक के लिए जरूर आएंगे जब इतना सिंप्लीफाई हो गया जब सपोर्ट भी कर रहे हैं और प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो लोग आएंगे

সহজ হব যে কিভাবে সে নাক হাতেই পারে এবং আগুকু দেশ সারার জাতীয় স্তরের ওড়শার না বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় না আগুক এবং দেশ সারার যে বিশ্ববিদ্যালয় গুড়ি রয়েছে তা মধ্যে না কন্ডরে যাব ভুবনেশ্বর ক্যামেরা পর্সন টুনা মন্ডল সঞ্জল মহাতি অর্গস নিউজ যদি আপনার আমার ভিডিওটি ভাল লাগিলা তেবে আমার চ্যানেলকে লাইক শেয়ার ও সবস্ক্রাইব করা জমা বি বলতু